आज हम आपको कुछ लंच रेसिपीज बता रहे हैं। इसमें से सारी वेजिटेरियन लंच रेसिपीज हैं और मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहले रेसिपी है पोटैटो सैंडविच की। तो हम पोटैटो बॉयल्ड, ऑनियन, टमेटोज, धनिया और ये मैंने कुछ फ्लैक्स सीड्स लिया है। इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ प्रोटीन। पीपल हु डजन ईट एग्स दे कैन यूज दिस। एंड देन वी नीड ब्रेड्स, टू पीसेज ऑफ ब्रेड्स। वी कैन यूज सम टोमेटो सॉस और इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज द टैमरिंड सॉस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैव फाइव रेसिपीज टू शो यू। सो आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू शो यू ऑल द इन्ग्रीडियंट्स, बट आई विल डेफिनेटली शो यू ऑल द रेसिपीज दैट आई वॉन्ट यू टू मेक। सो द फर्स्ट वन इज पोटैटो सैंडविच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो विल टेक अ पैन एंड उसमें हम थोड़ा सा गरम करेंगे ऑयल को। और ऑयल को गरम करने के साथ हम जब ऑयल गरम हो जाएगा तो अब उसमें सारे मसाले और ऑनियन को फ्राई करेंगे। इट्स अ वेरी इजी रेसिपी एंड दिस इज़ वन ऑफ माय डॉटर्स फेवरेट वन। तो मैं वीक में काफ़ी बार बनाती हूँ इसको और ये ठीक भी रहता है अगर आपके बच्चे के स्कूल में गरम करने का फैसिलिटी नहीं है तो ठंडा खाने में भी वो उतना ही टेस्टी लगता है। बहुत अभी हमारा तेल गरम हो गया है और हम उसमें जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है और अब हम इसमें ऑनियंस को फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑनियंस को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। पोटैटो को मैश कर लिया हमने। पोटैटो को मैश कर देंगे बाय द टाइम जीरा थोड़ा सा फ्राई होता है। तो अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे। ये मेरी बेटी बोल रही है, छोटी वाली। इसमें हमने ऑनियन डाल दिया और ऑनियन को हम शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है ऑनियन को, बिकॉज हमें वो क्रंची चाहिए उसमें। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा टोमेटोज डालेंगे। टोमेटोज को डाल के हम उसको फ्राई कर लेंगे उसको भी। हमें ऑनियन और टोमेटोज को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव दैट फ्लेवर ऑफ टोमेटोज एंड ऑनियंस इन इन पोटैटोज। सो हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे उसको। इसको कुक होने के बाद हम थोड़ी देर के लिए ऐसे फ्राई करने के बाद हम इसमें फ्राई किया हमने इसको ऐसे, और हम इसमें थोड़ा सा जो हमारा फ्लैक्स सीड है टू ऐड दैट न्यूट्रिशन थिंग इन द सैंडविच, क्योंकि पोटैटोस से हमारा कार्ब्स हो जाता है और देर इज़ नथिंग नो प्रोटीन इन दैट सैंडविच। सो वी आई यूज फ्लैक्स सीड इन मोस्ट ऑफ माई लंच बॉक्स रेसिपीज, क्योंकि बच्चों को ऐसे बोलने से वो नहीं खाते हैं। अभी इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर डाला। टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा डाल के हम उसको थोड़ा सा चला लिया। अब हम उसमें पोटैटोज डालेंगे हमारे, और पोटैटोज डालने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा पोटैटोज सारा हमने डाल दिया इसमें, ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एज पर टेस्ट, और मेरी बेटी को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो मैं थोड़ा सा चिली पाउडर भी डाल देती हूँ, बट अगर आपके बच्चों को पसंद नहीं है स्पाइसी तो यू कैन स्किप दिस। थोड़ा सा टैमरिंड सॉरी अमचूर पाउडर, अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप टैमरिंड सॉस भी डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप डालूंगी, क्योंकि बच्चों को केचप का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी सैंडविच में अगर वो फ्लेवर आए तो वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं उसमें टोमेटो केचप डाल देती हूँ। उसके बाद हम उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तारे सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पोटैटोज़ के अंदर मिक्स हो जाएं। तो उसको हम अच्छे से मिक्स करके एक अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा धनिया लीव्स डाल दिया, सिलेंट्रो लीव्स,
और ये हमारा मिक्सचर रेडी है। तो अगर आप चाहें तो इस मिक्सचर को आप एक डे बिफोर या यूजुअली मैं एक रात पहले बनाकर मिक्सचर रख देती हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में इजी होता है बिकॉज़ आई एम अ वर्किंग वुमेन, सो मॉर्निंग में उतना नहीं हो पाता है। तो हम एक रात पहले बना कर रख सकते हैं और नेक्स्ट डे जस्ट हमें ब्रेड में बीच में लगा कर उसको सैंडविच बनाना है। अब हम एक पैन लेते हैं और उसमें हम अपना सैंडविच बनाएंगे। आई डोंट यूज़ अ सैंडविच मेकर फॉर दैट बिकॉज उसको बनाना, मेरी बेटी को उसमें सैंडविच थोड़ा ड्राई लगता है, शी डजंट लाइक दैट, शी लाइक्स द वन इन द पैन। सो आई विल शो यू द सेम थिंग। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेड्स के बीच में इस तरीके से लगा लेंगे सैंडविच जो हमने मसाला बनाया है उसको ब्रेड्स के बीच में लगा कर दूसरी ब्रेड लगा देंगे। उसके बाद हम उस पर व्हाट आई डू इज आई यूज घी ऑन टॉप ऑफ द ब्रेड्स, बट यू कैन ऑल्सो यूज बटर इफ यू वॉन्ट। और हम उसको वापस से इस पैन में रखेंगे और ऊपर से दोबारा घी लगाया हमने। थोड़ी देर तक हम उसको सिकने देंगे ब्रेड को, तो ब्रेड सिक क्रिस्पी हो जाएगी और हम उसको टर्न कर देंगे। तो जब हम ये सैंडविच खाते हैं तो उसमें वो घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और माय डॉटर रियली लव्स दैट। सो आप अपने हिसाब से आपके बच्चों को जो पसंद हो इस इंग्रेडिएंट्स चेंज कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों को, वेजिटेबल्स डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अब ये एक तरफ से सिक गई है तो अब हम इसको टर्न कर देंगे। आप देखिए इस तरफ से सिक गई है ब्रेड, अब हम इसे दूसरी तरफ से सेक लेंगे। उसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे जेंटली ताकि ब्रेड्स आपस में चिपक जाएं और उसका मसाला बाहर ना निकले। तो हम इस तरीके से इसको बना लिया हमने और अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए हमारी ब्रेड सिक गई इधर से, तो अब हम इसको निकालेंगे। इसको निकाल कर हम इसे कट करेंगे, तो हम इसे एक तरफ निकाल लेते हैं और अब हम इसको नाइफ से कट करेंगे। ये मैं इस तरीके से कट करती हूँ ताकि ये स्मॉल ट्रायंगल्स बन जाएं, तो बच्चों को खाने में भी इजी होता है और लंच बॉक्स में भी हम इजीली रख सकते हैं। तो ये हमारा पोटैटो सैंडविच इस तरीके से तैयार हो गया। बिलीव मी इट्स रियली यमी एंड इट्स रियली हेल्दी, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। अब नेक्स्ट रेसिपी है पास्ता। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, हम लेंगे पास्ता, हमने लिया है थोड़ा सा गार्लिक, ऑनियन, अगेन थोड़ा सा धनिया पत्ती और हमारा सेम फ्लैक्सीड जो मैंने पानी में भिगोया हुआ है हम उसको यूज़ करेंगे। तो हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे सबसे पहले, और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं और सभी बच्चों को बहुत पसंद है पास्ता, तो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और मैं ये बनाती हूँ वीक में एक बार ज़रूर पास्ता बनाती हूँ। तो ये मैंने प्री बॉइल्ड पास्ता आपको दिखाया अभी। ये पास्ता को हम प्री बॉइल करने से हमारा टाइम सेव हो जाता है, मॉर्निंग में अगर हमारे पास प्री बॉइल्ड पास्ता है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने गरम तेल में ज़ीरा डाल दिया है, अब हमने इसमें ज़ीरा के साथ थोड़ा सा गार्लिक डाल दिया है, थोड़ा सा गार्लिक को फ्राई कर लिया। उसके बाद हमने इसमें ऑनियन डाला है जो हमने फाइनली चॉप किया हुआ है, और उसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट
और उसके बाद हम इसमें पार्सले डालेंगे। मेरे पास एक पार्सले और एक इटालियन मिक्सचर है, इटालियन मिक्स करके एक स्पाइस जो आता है उसको हम डाल देंगे, दैट गिव्स दैट इटालियन फ्लेवर टू पास्ता। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें फ्लैक्स सीड्स 1 स्पून ऑलमोस्ट फ्लैक्स सीड्स डाल देंगे, अगेन टू ऐड द प्रोटीन इन एनी डिश आई यूज फ्लैक्स सीड। तो फ्लैक्स सीड डाल दिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा फ्लेवर में कि हमने इसमें कुछ डाला है, और इट विल ऐड दैट न्यूट्रिशनल वैल्यू। उसके बाद हमने ये टोमेटो सॉस, हंट्स का टोमेटो सॉस, केन टोमेटो सॉस हम डाल रहे हैं इसमें। आप अपना पास्ता सॉस भी डाल सकते हैं, बट मैं ये टोमेटो सॉस और हंट्स टोमेटो सॉस मिलाकर यूज़ करती हूँ। इसको हमने थोड़ा सा कुक किया है, थोड़ी देर हम इसे कुक करेंगे। इसको अच्छे से कुक होने के बाद हम इसमें पास्ता डालेंगे। ये हमने पास्ता डाल दिया इसके अंदर, और हम इस पास्ता को अच्छे से कोट करेंगे इस सॉस में और उसको कुक होने देंगे थोड़ी देर तक। और इस तरह से कुक करने से, थोड़ी देर कुक करने के साथ क्या होगा कि ये थोड़ा सॉस थिक हो जाएगा और जो पास्ता है उस सॉस के फ्लेवर को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। तो इस तरीके से थोड़ी देर कुक करने के बाद ये थोड़ा सा हमने इसमें धनिया डाल दिया और ये आपका पास्ता रेडी है। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, और इट्स अ वेरी हेल्थी, वेरी यमी, वेरी गुड लंच बॉक्स रेसिपी। पास्ता में इश्यू ये है कि इट शुड बी हॉट व्हेन दे आर ईटिंग इट। सो मैं एक हॉट केस, या मेरे पास जो लंच बॉक्स है हॉट पॉट, थर्मस के भी काफ़ी सारे लंच बॉक्सेस आते हैं दैट कीप्स द फूड वार्म फॉर अ सर्टेन टाइम, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो इन दैट वे द पास्ता विल बी वार्म। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी फ्राइड राइस की। आई अपोलोजाइज बिकॉज ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वी कुड नॉट रिकॉर्ड द होल रेसिपी, बट इट्स अ वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स, ऑनियन टोमेटोज, सेम जीरा में आप छोंक लगा दें ऑनियन टोमेटोज डाल के, और आपके जो लेफ्ट ओवर राइस है उसको आप डाल के इस तरीके से फ्राई कर दें मसाले में, हल्दी, नमक, जीरा, जो भी आपके मसाले हैं, और उसमें हम काफ़ी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो ऐड सेम सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड ऑल्सो सम टोमेटो टोमेटोज एंड आपका जो लेमन जूस है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आपके बच्चों के फ्लेवर के हिसाब से जो भी उनको पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड इट्स अगेन अगेन अनदर वेरी टेस्टी यमी लंच बॉक्स डिश। नेक्स्ट डिश जो मैं बता रही हूँ आपको, इट्स अ रैप, इट्स अ पनीर वेजी रैप। इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई डॉटर्स फेवरेट। सो इसके लिए हम पनीर लेंगे, कुछ ऑनियंस, हमने कैप्सिकम्स और टोमेटोज को काटा हुआ है, और हम थोड़ा सा आटा लेंगे रैप बनाने के लिए, और साथ में ही हम एक फ्लैक्स सीड्स वगैरह भी डाल सकते हैं टू ऐड दैट न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो हमने पैन में ऑयल को गरम कर लिया है, और इसमें हम जीरा सीड्स डालने के बाद, जीरा सीड्स जैसे ही हो जाते हैं गरम उसमें हम ऑनियन डाल देंगे। ऑनियन को हम थोड़ा सा स्टिर करेंगे, और जब ऑनियन फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम कैप्सिकम डाल देंगे। पर ऑनियन में हम थोड़ा सॉल्ट डालने से ऑनियन जल्दी फ्राई होता है एंड अच्छे से कुक हो जाता है, जल्दी कुक हो जाता है। उसके बाद हमने इसमें कैप्सिकम डाल दिया है, कैप्सिकम को भी हम फ्यू मिनट्स के लिए थोड़ा सा स्टिर करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है वेजिटेबल्स को, बिकॉज वी वॉन्ट दैट क्रंची फ्लेवर, वी वॉन्ट दैट क्रंच इन द वेजिटेबल्स, सो वी विल जस्ट स्टिर देम फॉर अ वाइल, वी विल नॉट कुक देम कम्प्लीटली। तो उनको इस तरीके से स्टर कर लिया है हमने। अब हम इसमें थोड़ा सा टोमेटोज डालेंगे, बहुत ज़्यादा टोमेटोज भी नहीं डालना है क्योंकि वी डोंट वॉन्ट दिस रैप टू बी सॉगी। तो हम थोड़ा सा टोमेटोज डालेंगे और टोमेटोज को थोड़ा सा कुक होने देंगे। इस तरीके से हम उसको चला के फ्राई करेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर ढककर इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए कुक होने देंगे ताकि उसका रॉ फ्लेवर चला जाए वेजिटेबल्स का, और टोमेटोज भी अच्छे से कुक हो जाए। तो जब ये कुक हो जाएगा तो उसको हम हटा देंगे, और ये कुक हो गया है अच्छे से। यू डोंट वॉन्ट इट टू बी वेरी सॉगी, और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
उसके बाद हम इसमें सेम फ्लैक्स सीड्स ऐड किया हमने। फ्लैक्स सीड्स ऐड करने के बाद हम इसमें सॉस थोड़ा सा ऐड करेंगे, टोमेटो सॉस और थोड़ा सा टैमरिंड सॉस टू गिव इट अ जिस्ट। बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा इससे, खट्टा मीठा, और बच्चों को पसंद आएगा। उसके बाद हमने इसमें हमारे पनीर क्यूब्स जो हमने थोड़े पतले पतले काटे हैं जिससे रैप को रोल करने में इजी होगा, और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती डालने के बाद मेक श्योर कि ऑल द पनीर क्यूब्स आर कवर्ड इन द सॉस एंड एवरीथिंग, जस्ट लीव इट लाइक दिस सो दैट द पनीर कैन एब्जॉर्ब द फ्लेवर एंड देन वी कैन टेक इट आउट एंड फिल इट इन अ रैप। अब हम इसका रैप बनाने के लिए एक इस तरीके से पतली रोटी बना लेंगे, जो हम आटा यूजुअली घर में यूज़ करते हैं उसी से ही, और एक पराठा, इस तरीके से पतला पराठा या रोटी जो भी आपके बच्चों को पसंद हो उसको हम एक पराठा या रोटी कुछ भी एक बना लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे। तो ये हमारा रैप तैयार है। अब हम इस रैप के अंदर इस मिक्सचर को भरेंगे और भरकर इसका एक रैप तैयार करेंगे। और तैयार करने के साथ साथ हम एक फॉयल पेपर का भी यूज़ करेंगे साथ में, जिससे कि हम उसके बेस को नीचे से कवर कर पाएँ और मिक्सचर बाहर नहीं निकले। तो हम इस तरीके से इसके अंदर मिक्सचर को भर देंगे और इसको एक रोल बना देंगे। इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। नीचे से हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे ताकि नीचे से मिक्सचर ना निकले, और उसको हम इस तरीके से फॉयल में कवर कर देंगे ताकि बच्चे जब इसको खाएं तो कोई भी चीज़ बाहर ना निकले और दे कैन इजीली ईट दैट। हम इस तरीके से इसको नीचे से कवर कर देंगे और इसको प्रॉपरली इस तरीके से एक रैप बना देंगे। तो ये हमारा रैप रेडी है, इसको हम रख सकते हैं अपने बच्चों के टिफिन में। जो फिफ्थ रेसिपी है, जो लास्ट रेसिपी है, उसमें हम कॉटेज चीज़ का यूज़ करेंगे। इट्स ऑल्सो अ सैंडविच। इसमें हम फ्लैक्स सीड्स डालेंगे, टमेटोज डालेंगे, और इसके साथ में हम ये जो ये कॉटेज चीज़ मैं सैम्स क्लब से लाया हुआ कॉटेज चीज़ है, इट्स वेरी फ्लेवरफुल। इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आपके बच्चे को स्पाइसी और इस तरीके का पसंद है तो आप उस तरीके से फ्लेवर ऐड कर सकते हैं इसमें। और इस मिक्सचर को हम दो ब्रेड पीसेस के बीच में भरकर एक सैंडविच बनाएंगे, जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऑयल या कुछ यूज़ नहीं किया है। हम अपनी ब्रेड्स को टोस्ट करेंगे। अब हम इस ब्रेड के मिक्सचर को इसके ऊपर लगा देंगे, दोनों ब्रेड्स के ऊपर, और इस तरीके से दोनों को भरकर दो ब्रेड्स के बीच में इस तरीके से एक सैंडविच बना देंगे, और दूसरी ब्रेड को ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगाकर अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब हम इसको फोर पीसेस में काटेंगे इस सैंडविच को। ये देखिए, हम इस तरीके से इसको फोर स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे, तो बच्चों को खाने में भी आसानी होती है और पैक करने में भी इजी रहता है। और इस तरीके से ही हमारा कॉटेज चीज सैंडविच रेडी है। मैं अपने बच्चों के लंच बॉक्स में रेसिपीज़ जो आपको बताई हैं उनके साथ में फ्रूट्स भी रखती हूँ। तो ये मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज लिए हैं, आप उसको कट भी कर सकते हैं और यू कैन यूज़ इट द होल स्ट्रॉबेरी। और साथ ही साथ मैं कुछ ब्लूबेरीज लूँगी साथ में। तो मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जो मैं अपने बच्चों के लंच बॉक्स में रखती हूँ। आप और भी डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ ग्रेप्स भी यूज़ करूँगी और साथ में मैं कुछ बनाना भी यूज़ करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक कुछ टूथपिक्स में आई बेसिकली मेक द फ्रूट स्क्यूअर्स। तो वही मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से फ्रूट स्क्यूअर्स बनाती हूँ। तो ये टूथपिक्स हैं, तो मैं टूथपिक्स को लेकर इस तरीके से ग्रेप्स वन साइड में और फिर ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, फिर अगेन ब्लूबेरीज और ग्रेप्स। तो उसके शार्प एंड्स
हम ग्रेप से कवर कर देते हैं। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आप उन शार्प एंड्स को तोड़ भी सकते हैं। उन शार्प एंड्स को तोड़कर टूथपिक के जो शार्प एंड्स हैं उन्हें निकाल कर आप बाकी का स्क्यूअर्स बना सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। इसके अलावा और भी कई तरीके से हम स्क्यूअर्स बना सकते हैं, इस तरीके से तोड़कर ब्लूबेरीज, देन वी कैन यूज होल स्ट्रॉबेरी ऑल्सो, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो जस्ट एक होल स्ट्रॉबेरी को एक स्क्यूअर बना सकते हैं। और हम कुछ बनानास भी यूज कर सकते हैं, कुछ बच्चों को बनानास बहुत पसंद होते हैं, तो बनाना, ब्लूबेरीज और इस तरीके से एक और स्क्यूअर बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्यूअर्स हम बना सकते हैं बच्चों को लंच में देने के लिए। वेरी हेल्थी, वेरी टेस्टी रेसिपीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। सो दीज आर 5 रेसिपीज, लंच बॉक्स रेसिपीज फॉर 5 डेज। प्लीज लेट मी नो डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन विच वन इज योर फेवरेट रेसिपी, एंड इफ यू गाइज ट्राइड एनी ऑफ दैम, एंड इफ यू किड्स लाइक इट और नॉट, प्लीज लेट मी नो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर रेसिपीज एंड मोर क्राफ्ट आइडियाज। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप। आई सी यू सून गाइज, बाय नाउ।